नमस्कार, वेलकम बैक टू रियल रिएक्शन 2.0। दोस्तों, सबसे पहले सभी व्यूअर्स को भारत को फाइनल में चुने जाने के लिए हार्दिक हार्दिक बधाई। भारत ने अपना फाइनल के लिए टिकट तो पक्का ही किया, बाकी न्यूजीलैंड की टीम के लिए टिकट जाने के लिए पक्का कर दिया। वाह, मोहम्मद शमी का क्या कहना, जो विकेट पे विकेट विकेट पे विकेट लेते रहे। आइए देखते हैं, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो आपने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से और खासकर इंडिया की जीत पर? देखें जी, पहले तो इंडिया को कंग्रेचुलेशंस के वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं और होम ग्राउंड के सामने और होम ग्राउंड में उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो डिज़र्व करते थे फाइनल में होना। थ्रू आउट टूर्नामेंट में एक अनबीटेबल टीम है, लेकिन साथ ही में मैं न्यूजीलैंड को भी अप्रिशिएट करूँगा कि जिस तरह का 398 रन के टारगेट को चेज़ करते हुए उन्होंने एक फाइट बैक किया, दैट वाज ऑसम। हम लोग कह रहे थे कि वन साइड अफेयर होगा, लेकिन मिचेल जिस तरह से खेला है, उसने 134 की इनिंग्स खेली है और पूरा टूर्नामेंट ही अच्छा खेल रहा था। एंड पे अगर उसके साथ वो जो उनका पावर हाउस था नीचे, चैपमैन और फिलिप्स, अगर वो परफॉर्म कर जाते तो मे भी ये 398 भी आज चेज़ होता नज़र आ रहा था। लेकिन साथ जो इंडिया की परफॉर्मेंस है बैटिंग बॉलिंग में, वो एक सबसे बेहतर टीम इस टूर्नामेंट में नज़र आई है और सबसे पहले फाइनल में पहुंच गई है, तो वो डिज़र्व भी करते थे। अच्छा, मोहम्मद शमी के बारे में क्या कहेंगे? आज उन्होंने 7 विकेटें ली हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। मोहम्मद शमी माशाल्लाह से बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन साथ में यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि शमी शायद इतने मैचेस ही ना खेलता अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड ना होता। हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ तो उन्हें शार्दुल ठाकुर को भी बाहर करना पड़ा, एक स्पेशलिस्ट बॉलर को लेके आना पड़ा और एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन सूर्या कुमार यादव को लेके आना पड़ा। इससे पहले ये था कि हार्दिक पांड्या बॉलर और अच्छा बॉलर भी था और बैट्समैन भी था, वो एक ही बंदा उनकी दोनों चीज़ों को कवर कर रहा था, तो उसकी जो इंजरी थी वो इनका गुड लक बन गई। शमी आया और शमी आता है तो वो बॉल पकड़ता है तो दुनिया को लगता है अभी 5 ही आउट करेगा। हाँ। तो आज 5 भी पढ़ के उसने 7 आउट कर दिए और वर्ल्ड कप में जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, आज जिस तरह मोहम्मद शमी से एक बॉल छूट गया, एक डायरेक्ट कैच था लेकिन उनसे छूट गया, तो हम डर गए कि कहीं ना कहीं उन पे अब गद्दारे वतन का जो है दाग लगने वाला है, लेकिन उन्होंने 7 विकेटें लेकर जो है आज अपनी शान में मजीद इजाफा कर लिया है। उनके हर जगह जो है चर्चे हो रहे हैं, उनकी बॉलिंग की बातें हो रही हैं, उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये देखें, ये जो हम है ना सब कॉन्टिनेंट के लोग, ये हम जो है ना करते हैं ये चीज़ें जो कि नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद शमी ने ये सारे उनके गिले शिकवे तो पहले ही धो दिए। वो आपको पता है कि सेमीफाइनल जो हुआ T20 वर्ल्ड कप का, उसमें शमी भी विकेट लेस गया, 150 पाकिस्तान ने चेज कर दिया विदाउट अ लॉस ऑफ विकेट। क्या नाम है आपका? मुनीब। मुनीब क्या करते हैं? मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। जबरदस्त। अच्छा, क्या कहेंगे आज के मैच पर? इंडिया ने फाइनल के लिए अपनी टिकट पक्की कर ली आज। बेसिकली इंडिया ने फाइनल के लिए टिकट नहीं पक्की की, न्यूजीलैंड के लिए टिकट पक्की हुई है। आप देखिए, आज अजीब ही इंडिया था, लग रहा था कि वो जान के खिला रहे हैं। अच्छा। शमी का जैसा कमबैक आया, एक बेंच पे बैठा लड़का, एक सीनियर बॉय, जिस तरह आके 4, 5, 4 और 7, आज तो आज आधी न्यूजीलैंड टीम को दिन में तारे दिखाए हैं उसने। उसने वाकई दिखाया कि भाई आसमान में सूरज के अंदर तारे ऐसे निकलते हैं। इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उसको अपने बॉल पे इतना ग्रिप था कि जब रोहित शर्मा ने उसको बॉल पकड़ाया और जब वो शेर अय्यर आगे आया, उसने कहा वहीं पर रहा, ये खुद ही कर लेगा। अच्छा। उसकी आप बॉलिंग देखो, उसने ऑन द लेंथ वहाँ पे बॉल किया, केएल राहुल को उसको कैच पकड़वा दिया कॉनवे का। मतलब बाकायदे एक स्ट्रेटेजी नज़र आ रही है कि इंडियन टीम किस तरह, आप उनकी बात करें, टॉप ऑर्डर उनका आउटस्टैंडिंग, मिडल ऑर्डर उनका आउटस्टैंडिंग, स्पिन डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फास्ट बॉलर्स आपके सामने हैं। बुमराह का डर था, बुमराह ने कुछ किया नहीं, शमी ने उड़ा दिया। कुलदीप यादव इतने क्रूशियल टाइम पे, जहाँ पे वो मिडल ओवर निकाल के जा रहा है, आप सबके सामने कि इंडिया वाकई, पता लग रहा है कि फाइनलिस्ट नहीं हुआ, ये फाइनल जीत गया है। बिल्कुल ऐसा, ये फाइनल जीत चुकी है टीम। और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, वेरी वेल प्लेड। और जो किंग ने आज खेला है और जैसी उसने आज रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, आई लव यू हार्डकोर फैन हूं मैं विराट कोहली का। और जिस तरह वो, मैं उससे कहूँगा ये यंगस्टर है, ये लड़का है,
ये तो अभी 4-5 वर्ल्ड कप और खेल सकते हैं यार, जिस तो तरह फिर खिलाना चाहिए ना विराट कोहली को आगे, मजीद हम भी उन्हें खेलते हुए देखना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि विराट कोहली पाकिस्तान आए, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो मैं भी पाकिस्तान में हो तो हम देखना चाहते हैं, जैसे वहाँ पे बाबर को भी प्यार मिला है। तो लेकिन जो विराट के फैन आप सबके सामने, आप पाकिस्तान में लोगों से पूछे ना तो उन्हें इंडियन टीम का इतना नहीं पता होगा, विराट का पता होगा। बाकी जिस तरह वो लेजेंड और जिस तरह आज उसकी इनिंग, उसने खुद तो खेला है लेकिन जिस तरह उसने अय्यर को साथ खिलाया और उसके बाद गिल को साथ खिलाता रहा, वाकई पता लग रहा था कोई लेजेंड प्ले कर रहा है और लेजेंड आगे किसी को गाइड कर रहा है। का नाम? मोहम्मद बिलाल। आसिफ शाह सर, आज इंडिया की जीत पर क्या कहेंगे? इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा कर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इंडिया टीम वो पहली टीम थी जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और आज इंडिया एक बार फिर से पहली टीम है जिसने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। माशाल्लाह इंडिया ने आज बड़ा अच्छा खेल पेश किया है, लेकिन सबको ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम आज रन चेज करेगी, लेकिन मोहम्मद शामी की बॉलिंग ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से इंडिया मैच विन कर गया। और मैं समझता हूँ कि कुलदीप यादव के दो ओवर जो 39 और 41 वाला, वो माशाल्लाह उसने बहुत ही आउट क्लास किया जिसकी वजह से इंडिया ने मैच में कम बाइक किया। नहीं बिल्कुल, मोहम्मद शमी ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 7 विकेटें लिए आज मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ। क्या कहेंगे उनकी कारकर्दगी पर? उन्होंने अपना रिकॉर्ड ही बेहतर किया। जी बिल्कुल, कारकर्दगी उनकी बहुत अच्छी रही। अब इसमें यह है कि इसमें मेन चीज़ है कैप्टन ने उनको पहले देखें वो विकेट नहीं ले रहे थे शुरू के ओवर में, मगर जैसे ही उनको थोड़ा देर रोकने के बाद उन्होंने जब उनको दोबारा लगाया, फिर एक तो शामी से कैच भी छूट गया था, उसकी वजह से शामी ने फिर उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक किया और बहुत अच्छी बॉल करके जो है ना उसने ख़ास तौर पर जो लोथम की विकेट निकाली और उसके बाद जो है फिलिप्स को, इनको सबको 3-4 विकेटें इसने जो दी वो बहुत अच्छे टाइम पर विकेट ली उसने टाइम पर विकेट ली, क्योंकि वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी 4-5 ओवर गेम और चलता तो मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यूजीलैंड की हिटिंग बहुत अच्छी है, फिनिशर उनके पास बहुत अच्छे हैं और वो जो है ना फिनिश अच्छा करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? इन पाकिस्तानियों के लिए कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।